एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। हाँ जी, जिस तरह हम लोग निकले हुए हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए, तो जो हम लोगों ने गाइडलाइन ली थी वो हम लोगों ने गूगल मैप से ली थी, तो हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, हम लोग उस तरफ आ गए थे, लेकिन ये है कि रास्ते में जो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हम लोगों ने पता किया, वो लोग कह रहे हैं इस तरफ इस रोड से आप जाएं, रोड थोड़ा सा जैसे कि जैसे कहते हैं शाही सवारी, और रोड बहुत ख़राब है, जिस वजह से हम लोगों ने एक सवारी चुनी। ये सवारी आप लोग देख सकते हैं, अपने साथी से पूछता हूँ वो क्या महसूस कर रहे हैं इस मर्द सवारी के बारे में। बहुत गांडू वाली फीलिंग आ रही है मुझे। इतने बगैरत बंदा हम लोग साथ लेके आए हैं ना, खुद वो जा रहे बाइक पे और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हमें शाही सवारी एक मिली थी, तो हमें कह रहे आप लोग उतरो यहाँ से आगे रहो, ठीक है, तो हम लोग उतर गए, अब वो खुद निकल गए और हम लोग पैदल आ रहे हैं, बस ये सूरत हाल है, देख लें ऐसे दोस्त खुदा ना ही दे किसी को। और अहमद से पूछते हैं क्या सूरत हाल है अहमद। यार क्या करें यार, नसीब में लगा रहा नसीब तो भाई हमारा है ही ऐसा, चलें साथ साथ देखते हैं अभी आगे क्या बनता है। जहाँ से आगे पैदल ट्रैक है, तो बाइक वगैरह हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, यहाँ पे पार्किंग वगैरह दी हुई है इन्होंने, तो यहाँ से आगे वाटरफॉल में हमारा तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का और रास्ता है, तो देखें आगे क्या होता है। जैसे कहते हैं बहुत खतरनाक रास्ता है पैदल, देखते हैं क्या सुविधा लेने की बनती है। आ जाओ ओए जल्दी करो, टाइम नहीं है बिल्कुल, नहीं ठीक है बस यार इस तरफ से शार्ट है, हम लोग वो वाला रोड इस तरफ आ रहा है, ये हम लोगों ने शॉट ले लिए, ओए ब्रेकिंग लगा के आना ज़रा, ब्रेकिंग लगा के हाँ ये पानी वगैरह के लिए, तो दूसरा जो रोड था वो इस तरफ लग रहा था, तो ये रोड देखते हैं आगे। भाई कितने एक रोड है तारीख हो गई ना, नीचे सिर्फ 3 लोग रहते, एक खच्चर से आ रहे और एक उधर गए, बंदों का मतलब नहीं है, जाओ जल्दी आ जाना, वेट मत करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और ये क्या कांपे टांग नहीं मत, क्या टांग बोला तूने, ए पहले क्या बोला, कांपे टांग नहीं मत बोला, चल चलो चलो, मतलब टांगे कांप रही हैं, ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ब्रेकर लगा लगा के आ रहे हैं नीचे, और ऊपर बंदे हैं हमें डरा रहा था, कह रहा था कि बहुत लंबा रास्ते, हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं 5 मिनट का रास्ता। अहमद भाई और हसन भाई दोनों उतर रहे हैं, देखना इनको तरीका क्या है उतरने का, ये हसन भाई कैसे महसूस हो रहे हैं आपको, गार्डन हो रहा है दिल, अहमद भाई मुझे दें जी, मुझे दें आप जाएं, देख सकते हैं ये रास्ता था यहाँ से हम उतरे हैं, और बहुत खतरनाक रही है, आप फिर देख दूर से देख सकते हैं, ये रस्सी के साथ लटक के उतरना पड़ता है ना, तो हसन भाई लोग नीचे हैं, ये अहमद भाई खड़े हैं, शाम बहुत होगी जी, सूरत हाल ये हो चुकी थी कि काफ़ी लेट हो गई, अगर हम लोग अभी इस टाइम निकलते तो हमारे तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र था, यहाँ पे तकरीबन 2 ही रूम हैं, एक तो ये जो हम लोगों ने ले लिए 3 बंदों ने, एक वो सामने, मतलब रूम भी इतने ख़ास तो हैं नहीं है, ये है कि बस स्टे करना है, तो रूम की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं, अल्लाह पाक करे फिर से हमारी रात बस गुजर जाए, बाकी कोई मसले की बात नहीं, सुबह सवेरे हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, तो वहाँ सुबह आप लोगों को व्यू शू दिखाएँगे, सुबह खुद भी घूमेंगे, तो फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, 10 बजे का वक्त है, अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट प्लान है हम लोग अभी फिर नीचे जाएंगे, क्योंकि शाम के वक्त ना पिक्चर्स अच्छी आई हैं ना वीडियोज़ अच्छी आई हैं, तो हम लोग अभी निकलेंगे, थोड़ा बहुत
लाइट वाला नाश्ता करके अहमद से पूछते हैं कि वो एक्साइटेड है या नहीं। समझ नहीं आया। लोग फिर जाएंगे ना तो कल शाम को ये सीन था ना कि पहाड़ों के अंदर थे ना हम लोग, तो शाम को लेट पहुंचे थे हम लोग तो भाई बंदा फंबल हो चुका है तो टेंशन ही लेनी है। आपका भैया आपके साथ है, वो आपको खुद घुमाएगा खुद फिर आएगा। बस ये है कि साथ साथ घूमेंगे, बस इधर तो जाना नहीं है आप लोगों ने। अगर गुम हो गए तो फिर मैं नहीं लेके आऊँगा। हमारी जो मॉर्निंग हो गई थी वो नाश्ता वगैरह अभी ख़त्म की है तो हम लोग अभी फिर निकले हैं पैदल ट्रैक पर अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। ये सब ये है कि व्यू बहुत खूबसूरत आ रहे हैं लेकिन ये है कि शाम को एक जुनून था जो डीओ वाले वक्फे से अच्छा बनाते हैं कि हाँ भाई डीओ पियो और माउंटेन डीओ। हम लोगों ने ऊपर दो बोतलें पी के आए हैं लेकिन ये है कि कोई असर वगैरह नहीं है, उल्टा और ज़्यादा हमारा जो गला ही सूख चुका है। तो फजूल है भाई ये सब बातें कहने की, उससे आप अगर वफ़ा पी लेते हैं ना एक चम्मच तुखमलंगा डाल के तो आपको मज़ा आ जाता। ये रास्ता रह चुके हैं थोड़ा सा वाटरफॉल है नीचे, वो हमारा कल्लू मलिक है। लेकिन ये है कि अगर आपने ज़रा सा अपना ध्यान रोड से हटा दिया तो आप डायरेक्ट अम्ब्रेला वाटरफॉल की जन्नतुल फिरदौस चले जाएंगे। ये जहन्नमुल फिरदौस वो आपकी ईमान तक है। तो बाकी ये व्यू आ रहे हैं भाई। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो ये सूरती इंतहाई है, बहुत अच्छे से व्यू आ रहे हैं वाटरफॉल के। आपको मैं अगर पढ़ने के लिए दिखा देते हैं बंदे इसे यहाँ पे भी नहाना याद आया हुआ है और दूसरे इसकी वीडियो से दिल नहीं भर रहा। और मेरी ये सूरत हाल है, फुल गीले हो चुका हूँ जिसे कहते हैं। ये हमारे जो था मेन पॉइंट था तो हम लोगों ने मेन पॉइंट विजिट कर ली है। तो चलें फिर आगे। हमने तो एक्सपीरियंस हो गया यहाँ की खूबसूरत जगह है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई हमें को उन्हें कोई जगह ठीक लगी है या नहीं। तो हम भाई से पूछे हैं, भाई खड़े हैं, भाई जगह अच्छी लगी है आपको? हाँ बिल्कुल। ये एप्लीकेशन की कहाँ से आए हैं आप? मियाँ वाली। तो ये मियाँ वाली के हमारे भाई हैं ये भी आए हुए हैं, तो उन्हें तो ये एक जगह काफ़ी अच्छी लगी है। एक बहुत खड़े हैं भाई ये मियाँ वाली के यहाँ पे आए हुए हैं, उनको कहने कहने ये जगह बहुत अच्छी।